नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक जो स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ वो स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 लेक्चर ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में डिलीवर कर लिए हैं, और धीरे धीरे आपने देखा है कि किस तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारी आगे बढ़ी। लास्ट जो 8th हमारा लेक्चर है, आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़ा है आपने, और आपको पता है कि 8th लेक्चर में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस की है। आपको बताया गया है कि किस तरीके के कंपाउंड्स में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। तो कन्फर्मर्स के बारे में हमने लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस किया, और उसमें हमने जो है ओपन चेन या जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है उनकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म या उनकी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने ईथेन ब्यूटेन इन कंपाउंड्स की एलिफेटिक कंपाउंड्स की स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, और उसमें हम लोगों ने उनके डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स हमने देखी, जिसको हमने एक्लिप्स्ड फॉर्म कहा, एक जगह हमने स्टैगर्ड फॉर्म कहा, और बीच में कुछ फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म्स बन रहे थे जिन्हें कि हमने स्क्यू फॉर्म्स कहा। तो टोटल मिलाकर के ये जो फॉर्म्स थी, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स थी इनकी, ये डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे से, एक तो एनर्जी के वाइज और एक स्टेबिलिटी के वाइज डिफरेंट हो रही थी। अदरवाइज दीज आर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स, ये एक दूसरे पे कन्वर्ट हो जा रही थी। जैसे ही इनको कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी मिल रही थी तो दे कीप ऑन रोटेटिंग अराउंड अ सिंगल बॉन्ड के अराउंड वो घूमती रहती है, और डिफरेंट फॉर्म्स जो होती रहती है इधर से उधर आती रहती है। तो ये केस हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स के केस में डिस्कस किया बच्चों। अब मैं आपको अपने टॉपिक को आगे एडवांस करते हुए बताना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, इसके लिए दूसरा कैंडिडेट या दूसरा केस क्या है। वो दूसरे केस हमारे को मिलते हैं रिंग कंपाउंड्स में, और आपको पता है रिंग कंपाउंड्स का मतलब है अगर हम कहें कि हाइड्रोकार्बन्स जो कि रिंग होंगे, तो उसका एक क्लासिकल एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बना करके बताऊं तो एग्जांपल आ जाएगा हमारा ये ट्राइगोन, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपीन। ये जो है एल्केन है मगर साइक्लिक है, तो साइक्लो एल्केन्स भी इन कैटेगरीज को कहते हैं, जिसका सबसे पहला मेंबर 3 कार्बन का होता है जिसे साइक्लोप्रोपीन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम चौथे मेंबर को देखेंगे तो 4th मेंबर जो होगा हमारा वो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। 5th मेंबर अगर इसका कोई होगा तो ये पेंटागन जो हमने बनाया है 5 साइड्स वाला, इसका नाम पेंटागन या साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, और इस तरीके से हम चेन लेंथ बढ़ाते जाएंगे, रिंग्स का साइज बढ़ाते जाएंगे, तो उनका नाम भी डिफरेंट होता रहेगा, मगर इनकी कैटेगरी है साइक्लो एल्केन कैटेगरी, ठीक है बच्चों। अब जब ये कंपाउंड्स डिस्कवर हुए, जब ये कंपाउंड्स हमारे सामने आने लगे, तो साइंटिस्टों ने इनको क्या किया, साइंटिस्टों ने ये चीज देखने के लिए कि ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, इनकी रिएक्शंस कैसी हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसी है, इनके अंदर एनर्जी कितनी है, इन सब चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स के साथ उन लोगों ने इनके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू की, ठीक है। जब काफी उन्होंने इनको स्टडी किया तो फाइनली उन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने इन साइक्लो एल्केन्स को क्या किया, उन्होंने इन्हें 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, इन्होंने इनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक तो स्मॉल रिंग साइक्लो एल्केन, एक मीडियम रिंग साइक्लो एल्केन, और एक लार्ज रिंग साइक्लो एल्केन। ये 3 कैटेगरीज बच्चों साइक्लोएल्केन्स के लिए बनाई गई है, स्मॉल रिंग, मीडियम रिंग, लार्ज रिंग, ऑन द बेसिस ऑफ
साइज ऑफ रिंग, रिंग का साइज कितना था उसके हिसाब से। तो स्मॉल रिंग की कैटेगरी में इन्होंने C3 से लेकर के C4 ये दो कंपाउंड्स जो थे ये इस केस में कंसीडर किए जाएंगे जो स्मॉल रिंग का केस, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है जो मीडियम रिंग है वो C5 से लेकर के C8 तक डिस्कस किए जाएंगे, मतलब साइक्लोपेंटेन से लेके साइक्लोऑक्टेन तक, और साइक्लोऑक्टेन के बाद C9 से लेकर के जितने भी रिंग्स आएंगे वो जो आएंगी लार्ज सीरीज में, ये लार्ज रिंग साइक्लोएल्केन्स में कंसीडर की जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने साइक्लोएल्केन्स को तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ कारण रहा होगा, ठीक है ना। इनको अलग अलग कैटेगरीज में कैटराइज करने का जो मेन कारण था बच्चों वो था इनके एक दूसरे के साथ बिहेवियर, जैसे C3 और C4 एक जैसे बिहेवियर दिखा रहे थे, C5 से C8 वाले एक जैसे बिहेवियर दिखा रहे थे। तो ये बिहेवियर्स क्या क्या थे बहुत क्विकली मैं आपको ये भी चीज़ समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारे को स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़नी है, मगर इसको थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो रिंग की जो क्लासेस बताई गई थी ये क्यों बताई गई हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब रिएक्शंस, रिएक्टिविटी। उन्होंने कहा जो C4 और C5 कैटेगरीज के कंपाउंड्स हैं, C4 और C5 कैटेगरी के जो साइक्लोएल्केन है, जैसे मैं आपको बोलूं साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन, इन दोनों के साथ जब इनकी जब कभी रिएक्शन कराई जाती है तो ये रिएक्शंस क्या करते हैं बहुत जल्दी से दे देते हैं, ठीक है ना, बहुत इजीली ये रिएक्शन दे देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, ये मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। जैसे इनकी रिएक्शंस एक उन्होंने दिखाई रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना बच्चों, जब H2 को जोड़ते हैं, आपने पढ़ा है मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन को हॉट कंडीशंस में किसी चीज पे जोड़ते हैं तो उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, है ना। अगर इसका हाइड्रोजिनेशन कराया जाए साइक्लोप्रोपेन का तो क्या बनेगा, प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन बनेगा, ठीक है, एलिफेटिक प्रोपेन बनेगा। और अगर इस साइक्लोब्यूटेन का हाइड्रोजिनेशन कराया जाए तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। तो ये तो खैर जनरल टाइप की रिएक्शन है, मगर इस रिएक्शन के होने का जो रेट है वो बहुत जो इनकी रिएक्शन है वो बहुत रैपिड रिएक्शन है, ठीक है ना। रैपिड रिएक्शन का मतलब बहुत तेजी से ये रिएक्शन होती है, जब हम साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। पर अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन के साथ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन जो होगी बच्चों ये बहुत स्लो रिएक्शन होगी, मतलब कुछ विशेष कंडीशंस में कुछ बहुत ही अधिक टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नॉर्मल केस में ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी या एक्टिविटी ज़्यादा है और इनकी एक्टिविटी कम है। और इसी तरीके से अगर हम साइक्लोनेनोन डोकेन या फिर उससे यूनिडोकेन और उससे ज़्यादा बाइडोकेन वाले कंपाउंड्स को देखने लगेंगे, मतलब जहाँ पे कि ये रिंग का साइज 8 से ज़्यादा है, 8-9 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, तो ये जो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये रिएक्शन जो होगी ये होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शन रैपिड होती है स्मॉल वालों में और ये होती ही नहीं है लार्ज वालों में, ठीक है। रिएक्शन का जहाँ एक एग्जाम्पल हम हाइड्रोजिनेशन से देख सकते हैं बच्चों, वहाँ एक केस हम हाइड्रो हेलोजिनेशन से भी देख सकते हैं, जैसे HBr या HCl या HF के साथ जब हम इसकी एडिशन रिएक्शन, इसको कहेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम इनकी एडिशन रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन अगर हम कराएंगे तो ये एडिशन रिएक्शन साइक्लिक कंपाउंड्स में लोअर साइक्लिक कंपाउंड्स तो बहुत आराम से दे देंगे, जबकि हायर वाले इसको देंगे ही नहीं और मिडिल वाले जो हैं इसको कुछ कंडीशंस में देंगे और कुछ कंडीशंस में नहीं देंगे, ठीक है। तो ये जो पहला एविडेंस था वो ये बताता था कि रिएक्शन का नेचर जो है लोअर वालों से बढ़ते हुए कम होता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो इसका नेचर क्या हो जाता है, कम होता जाता है, रिएक्शन का नेचर कम होता जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी इन्होंने डिस्कस की, पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया इनकी रिएक्टिविटी इन्होंने डिस्कस की, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बोला, सेकेंड पॉइंट इन्होंने जो बोला वो बोला इनका कि स्टेबिलिटी,
ठीक है ना बच्चों। दूसरा पॉइंट जो इनका बोला, ये इसकी स्टेबिलिटी बोली। वैसे तो जो रिएक्शन वाली या रिएक्टिविटी वाली बात थी, उससे ही पता चलता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम स्टेबल होगा, है ना। बहुत सीधी सी बात है कि जो जल्दी से रिएक्शन कर जाएगा उसकी तो स्टेबिलिटी कम है, है ना। तो अगर हम वैसे भी उस पुरानी रिएक्शन को देख करके समझना चाहें, तो जो जल्दी रिएक्शन कर रहे थे, जो लोअर स्मॉल वाले जो कंपाउंड थे, वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जा रहे थे, रैपिडली कर जा रहे थे, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल मतलब सबसे कम ये क्या है, स्थायी है। इनका स्थायित्व तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि अगर हम मीडियम वालों के केस में कहें, तो मीडियम वाले के केस में क्या था कि ये स्लोली रिएक्शन कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़े से स्टेबल थे, स्टेबल, ठीक है ना। और अगर हम लार्ज वालों के केस में कहें, तो लार्ज वाले जो थे वो रिएक्शन करते ही नहीं थे, इसका मतलब नो रिएक्शन को क्या कहेंगे, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल, ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो अगर हम चाहें तो पुराने एक्सपेरिमेंट से भी इस बात का आधार निकाल सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इस लार्ज वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, मीडियम वाले की उससे कम होगी, और स्मॉल वाले की उससे भी कम होगी। अगर हम एक्टिविटी की बात कहें, तो स्मॉल वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर मीडियम वाले की होगी, और फिर लार्ज वाले की होगी, जबकि स्टेबिलिटी इसका अपोजिट होता है। इतनी बात तो हमारे को पता ही है बच्चों। मगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस चीज को उन्होंने कैसे प्रूफ किया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए कि उन्होंने दूसरे तरीके से कैसे इस चीज को प्रूफ किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया उसका नाम था हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन मतलब जलाने पर पैदा होने वाली हीट, उसको ऊर्जा जितनी पैदा होती है उसको जलाने पर, वो उसकी हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। इसमें बच्चों ये क्या कर रहे हैं, जैसे एक तीन कार्बन वाले साइक्लोएल्केन को जला के देखेंगे, एक छह कार्बन वाले को जला के देखेंगे, और एक दस कार्बन वाले को जला के देखेंगे, ठीक है ना। अब तीन वाले कार्बन को जला के देखेंगे, छह वाले को जला के देखेंगे, और नौ वाले को जला के देखेंगे, तो देखिए इस तीन कार्बन के कारण मान लेते हैं 2000 कैलोरी एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना। तो इसको पर मॉलिक्यूल पर मिथाइलिन कैलोरी कितनी कह सकते हैं, 2000/3। ये तो एक कार्बन के लिए, मतलब एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइलिन, ठीक है बच्चों। मिथाइलिन के ऊपर एनर्जी कितनी रिलीज हुई, देखिए 2000 का बटे कर दिया 3, तो ये तकरीबन 6670 कैलोरी एनर्जी के बराबर अमाउंट इससे रिलीज हुई, ठीक है। अब अगर इसके केस में भी ये 2000 कैलोरी अगर रिलीज हुई, तो इस समय की एनर्जी कितनी हो गई, अभी एनर्जी जो है छह मिथाइलिन मॉलिक्यूल के, देखिए ना यहां पर साइक्लोप्रोपेन है, मतलब तीन कार्बन ने 2000 कैलोरी एनर्जी दी। जबकि अगर इसमें भी वैल्यू सेम है, तो इतनी एनर्जी कितनों ने दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन ने 2000 कैलोरी एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हो गया, तकरीबन 330 कैलोरी एनर्जी पर मिथाइलिन मॉलिक्यूल से मिली। मिथाइलिन मतलब इस CH2 मॉलिक्यूल में इतनी एनर्जी इम्बेड हुई है, ठीक है बच्चों। और अगर यही केस C9 वाले में डिस्कस किया जाए कि C9 में कितनी एनर्जी है, और इतनी ही एनर्जी अगर 2000 एनर्जी इसमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये 2000/6, ठीक है, तो 9, ठीक है, तो ये 220 कैलोरी एनर्जी के बराबर हो गया पर मिथाइलिन मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। ये तीन जो एक्सपेरिमेंट हम इन्होंने हीट ऑफ कंबशन के जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने देखा ये एनर्जी तकरीबन बराबर थी C3, C6 और C9 के केस में, जिसमें C3 को अगर देखा जाए तो केवल एक कार्बन एटम में तकरीबन 700 कैलोरी एनर्जी, 670 कैलोरी एनर्जी इन्वॉल्व है, जबकि इसके केस में ये एनर्जी क्या है,
उससे आधी अमाउंट में है और इसके केस में वो उससे भी आधी अमाउंट में है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम साइक्लो एल्केन कैटेगरी में ऊपर या हायर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है। देखिए इस बात को दोबारा से समझिए, जो सेंटेंस में कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और इसको समझने के बाद आपको खुद ब खुद इसका आंसर पता चल जाएगा। मैंने आपको कहा हीट ऑफ कंबशन जो है ये हायर मॉलिक्यूल या लार्जर जो मॉलिक्यूल है, जिसका एग्जांपल हमने C9 से दिया, उसमें सबसे कम है हीट ऑफ कंबशन, उसके केस में कम है। जो मीडियम वाला हमने देखा C6 वाला, उससे और उस मीडियम वाले की भी जो स्मॉल वाली कैटेगरी है जिसमें C3 हमारे पास साइक्लोप्रोपेन की कैटेगरी थी, तो इस तरीके से इसका हीट ऑफ कंबशन हमने पाया कि सबसे ज्यादा स्मॉल वाले में हीट है, सबसे कम हीट या एनर्जी जो है किसमें, मीडियम वाले में, और उससे भी कम क्या है लार्ज वाले में है। तो ऐसे करके हमें पता चला कि इन रिंग के अंदर कितनी ज्यादा या कितनी कम एनर्जी है। अब देखिए जिस रिंग के अंदर जितनी कम एनर्जी होगी वो रिएक्शन उतना कम करेगा क्योंकि एनर्जी उसके अंदर कम है ना, और जिसके अंदर जितनी अधिक एनर्जी होगी उसके अंदर उतना अनरेस्ट होगा, उतना उसके अंदर रिएक्शन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो C3 वाला रिएक्शन ज्यादा करेगा, C9 वाला रिएक्शन कम करेगा, C6 वाला कम, इससे कम, इससे ज्यादा मगर इससे कम करेगा। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं और यहां से हमने दोनों चीजें देख करके समझ पाए। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई कि ये किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस या किस तरीके की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, कौन, साइक्लो एल्केन के स्मॉल, मीडियम और लार्ज रिंग वाले कंपाउंड। मगर अब प्रश्न ये था कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं, तो इस बात को डिस्कस करने के लिए बच्चों बहुत सारी कल्पनाएं सामने आने लगी, इन प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए बहुत सारी कल्पनाएं सामने आने लगी, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि क्यों इनमें से कोई कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कोई कंपाउंड कम रिएक्टिव हो जाता है, जिसके लिए एक दो थ्योरीज अगर हम लोग समझें तो एक थ्योरी इसके लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी आई थी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आई थी है ना, ये तो बहुत शुरुआती थ्योरी थी, ठीक है ना। और इस थ्योरी में ये कहते थे कि जो रिंग जितनी छोटी है, ठीक है, आप देखिए साइक्लो ये पांच साइज की चेन है, ये चार साइज की चेन है और ये तीन साइज की चेन है, ठीक है ना। तो इससे साइक्लोप्रोपेन बना होगा, इससे साइक्लोब्यूटेन बना होगा और इससे साइक्लोपेंटेन बना होगा, ठीक है ना। ये इन्होंने कहा कि जो जिसका साइज छोटा उसके दोनों सिरों की एक दूसरे से नजदीकी कम, मतलब जो छोटे साइज की रिंग बनाने वाली चेन होगी उसके दोनों सिरे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी में नहीं होंगे, बहुत नजदीक होंगे, जबकि जो बड़ी रिंग बनाने वाले हैं उनकी ये दूरी ज्यादा होगी और उससे भी बड़ी रिंग बनाने वाले की यह दूरी ज्यादा, उससे भी ज्यादा होगी। तो इसको कहा उन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी कि जिसकी नजदीकी ज्यादा उसके जुड़ने के चांसेस ज्यादा और इसके बनने के चांसेस ज्यादा, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे ज्यादा बनने के चांसेस साइक्लोप्रोपेन के हैं, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन के हैं, उसके बाद साइक्लोपेंटेन के हैं, और इस तरीके से जो सबसे बड़ी चेन होगी, जो सबसे बड़ी रिंग होगी, उसके बनने के चांस भी उतने कम होंगे और इनकी दोनों सिरों के जुड़ने के चांस भी उतने कम होंगे। बच्चों मगर ये थ्योरी बिल्कुल बिल्कुल गलत थी, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये रिएक्शन ज्यादा करता है, इसका मतलब यह बनना नहीं चाहता, ये उससे कम रिएक्शन करता है, मतलब ये इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है या बने रहना चाहता है, ये वाला उससे भी थोड़ा कम रिएक्शन करता है, इसका मतलब ये और ज्यादा स्टेबल है और ये और ज्यादा बना रहना चाहता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो भी इस केस में आकर के अपना एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं कर पाई थी बच्चों।
ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी को तो मैंने आपको बता दिया, हालांकि इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें एक थ्योरी और आती है जिसको आपको डेफिनेटली याद रखने की जरूरत है, और ये कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट के नाम से भी आया था है। इसे कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। उन्होंने कहा, बेयर ने कहा कि ये जो स्टेबिलिटी की बात कहें या फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कहें, इसको इसको सपोर्ट करने के लिए ये थ्योरी इन्होंने बताई। और बेयर ने कहा कि किसी भी साइक्लोएल्केन के अंदर एक विशेष तरीके की स्ट्रेन होती है, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है ना। जैसे किसी चीज को हम मोड़ेंगे तो उसके मोड़ने में जो उसको मोड़ने में जो दिक्कत महसूस होगी उसको कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अब ये स्ट्रेन जो है, ये जिसके पास जितनी ज्यादा होगी वो उतना कम बनना चाहेगा, जो जितना कम बनना चाहेगा वो उतना कम स्टेबल होगा या फिर उतना अधिक रिएक्टिव होगा। इस बात को इन्होंने बेयर स्ट्रेन ने अपनी थ्योरी के माध्यम से कहा, ठीक है। इस बात को दोबारा सुन लें, ध्यान से सुन लें कि बेयर ने एक स्ट्रेन थ्योरी दी। उसने क्या कहा कि जब भी कोई साइक्लोएल्केन बनेगा तो वो बनेगा कैसे, इनको आपस में, अब जैसे ये तीन कार्बन की एक चेन है, एक दो तीन, इसको मैंने जब मोड़ा होगा, जब मैंने इसको यहां से और इसको यहां से मोड़ा होगा, तभी तो आपस में नजदीक ला करके इनका बॉन्ड बनाया होगा। तो ये साइक्लोप्रोपेन जो बना होगा ये चेन से ही बना होगा तीन कार्बन की। अब मोड़ते समय इसको, इसके अंदर जो मोड़ा, जो प्रत्यास्थता जिसे कह सकते हैं हम लोग, उसके कारण इसके अंदर एक स्ट्रेन आ गई होगी, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस आ गया होगा। वो स्ट्रेस इसके अंदर जितना अधिक होगा वो इसकी रिएक्टिविटी के लिए उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी जो है हमारे सामने दिया। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेन कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन ये जो रिंग स्ट्रेन है, इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, हाफ 109 डिग्री माइनस डी। ये एक फॉर्मूला जो है उन्होंने हमारे को बताया, किसने, बेयर ने। बेयर ने कहा कि अगर किसी रिंग के अंदर स्ट्रेन की मात्रा पता करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे इस फॉर्मूले में हाफ तो आपको समझ में आ रहा है, 109 डिग्री का क्या मतलब है कि ये जो कंपाउंड बना है साइक्लिक, ये किसी ओपन चेन से बना है, और ओपन चेन में जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन पे होता है, आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहां हर कार्बन में होता है, वहां बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल कार्बन के ओरिएंटेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिसे यहाँ पे 109 लिखा गया है, 109 डिग्री लिखा गया है। और जब हम उसको मोड़ करके साइक्लिक चेन बनाएंगे तो इस साइक्लिक चेन में ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे मुड़ करके कुछ एक अलग डिग्री में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि साइक्लोप्रोपेन में ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे जी 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में देखिए 90 और दोनों 90 मतलब 180 डिग्री का कोण जो टोटल मिला करके होता है, वो आपको पता है एक इसमें 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ये जो हो गया, सॉरी, त्रिभुज में जो ये कोण होगा, ये कोण 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का एंगल इसमें है, क्योंकि 60 60 60 अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें तीनों के तीनों एंगल्स कितने होने चाहिए, ये 60 60 डिग्री होने चाहिए, तभी ये 180 डिग्री पहुंचेगा, करेक्ट आ गया, ठीक है। दूसरा केस है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोब्यूटेन में एवरी एंगल इज 90 डिग्री, हर कोण क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा बच्चों। इसी तरीके से अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो ये एंगल जो होगा 105 डिग्री का होता है बच्चों,
ठीक है। और मैं अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में ये एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इसका एंगल जो है और बढ़ता जाएगा। अब इन्होंने बेयर स्ट्रेन ने क्या किया, इन्होंने इस वैल्यू को, डी की वैल्यू को यहां पे रखा, तो साइक्लो प्रोपेन के लिए यह स्ट्रेन कैसे निकल गई, साइक्लो प्रोपेन के लिए स्ट्रेन जो है वो आ जाएगी हाफ ये 109 डिग्री माइनस 60। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 110। अगर इसे मान लो तो इसे 50 मानेंगे तो ये 25 आ जाएगी। देखने में इसको निकाल करके कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस 25 के अराउंड आएगी, प्लस 25 डिग्री की स्ट्रेन इसमें कैलकुलेट हुई। अगर मैं डी की वैल्यू साइक्लोब्यूटेन के लिए निकालना चाहूँ तो ब्यूटेन के केस में ये 90 डिग्री हो जाएगा, और मैं इसको 110 मान लूं तो 20/10 प्लस 10 आ जाएगा, तो ये भी तकरीबन प्लस 10 के नज़दीक आ जाएगा, ठीक है, प्लस 10 के नज़दीक आ जाएगा। ये इसको अगर निकालें तो ये प्लस 2 के नज़दीक आ जाएगा, इसको अगर निकालें तो ये माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, माइनस 5 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, पहले ये वैल्यू प्लस में थी और ये फिर इसके बाद माइनस में जाएगी और माइनस में बढ़ती चली जाएगी। बेयर ने क्या कहा, आप देखिए बेयर ने क्या कहा, इस स्ट्रेन की वैल्यू जितनी अधिक होगी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तो कंपाउंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। मगर हमने ये देखा और ये समझ में आया रिएक्शन थ्योरी से कि ये वाला कंपाउंड तो रिएक्टिव था, ये भी रिएक्टिव था, और ये कम रिएक्टिव था, ये भी कम रिएक्टिव था, मगर इसके बाद वाले तो बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं थे, जबकि इनकी बेयर स्ट्रेन की वैल्यू जो है धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, जो कि मतलब इसकी थ्योरी की लिमिटेशन थी, कमियां थी। इसकी थ्योरी यहां तक तो बढ़िया चल रही है साइक्लोहेक्सेन तक, मगर साइक्लोहेक्सेन के बाद जब कंपाउंड और ज्यादा स्टेबल हो जाता है या वो बहुत कम रिएक्शन करता है तो उस केस में ये थ्योरी जो है बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती है, और ये थ्योरी भी जो है आगे जा करके जो है बच्चों बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रही, आउट हो गई। और इसके बाद जो लेटेस्ट थ्योरी है वो आई, उस थ्योरी को समझना है आपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका नाम हमने दिया है, और वो थ्योरी कैसे बनी हुई है मैं आपको उस थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थ्योरी जो है, इस थ्योरी को समझेंगे आप कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर, कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स जो है जब आप समझ रहे होंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये थ्योरी क्या कह रही है बच्चों। कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में धीरे धीरे उन्होंने ये पाया कि कोई भी थ्योरी इसके लिए फिट नहीं हो रही थी। जैसे बेयर स्ट्रेन की थ्योरी बताई तो वो कुछ केसेस में तो फिर भी ठीक चल रही थी, मगर उसके बाद वो भी आपने देखा कि किस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो फाइनली डिस्कस करके साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये समझा कि जो रिंग कंपाउंड होते हैं उनमें पहले तीन रिंग जो कंपाउंड होते हैं, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, ये तीनों कंपाउंड होते हैं, ये कैसे होते हैं, प्लेनर, ठीक है। इन कंपाउंडों को क्या कहा हुआ, प्लेनर, मतलब इसमें सारे के सारे कार्बन जो है एक ही प्लेन में है। मतलब अब आप उसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मैंने ये डस्ट रखा हुआ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, चारों के चारों कार्बन जो है बच्चों वो क्या है, एक ही प्लेन में है, सेम प्लेन में, ठीक है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है, ठीक है। इसलिए इस प्लेनर मॉलिक्यूल के हर कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं इस पे दो हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी दो हाइड्रोजन होंगे, इस पे भी दो हाइड्रोजन होंगे, तो इसके कारण हाइड्रोजन के आपस में नजदीक नजदीक होने के कारण इसमें क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। इतने से मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन जो है नजदीक नजदीक है तो क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, जबकि इसके केस में देखें तो इसमें भी 8 हाइड्रोजन है इसलिए इसमें भी क्राउडिंग काफी ज्यादा है, इसमें 10 हाइड्रोजन है तो ये क्राउडिंग और ज्यादा हो गई। तो ऐसे अगर हमने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया तो साइक्लोहेक्सेन में तो 12 हाइड्रोजन इतनी सी जगह में हो जाएंगे,
तो वहां तो क्राउडिंग और बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्राउडिंग बढ़ती जाएगी। तो ये क्राउडिंग शुरुआत के जो तीन मॉलिक्यूल्स इन्होंने बताए, ये तो प्लेनर कंपाउंड होने के बावजूद इसमें क्या है, ये क्राउडिंग का स्टेटस है जिसको कि ये जैसे तैसे झेलते हैं। मगर जब ये क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है, मतलब जब ये C6 ये साइक्लोहेक्सेन के केस में पहुंच जाती है, तो ये क्राउडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि मॉलिक्यूल इसको सामान्य रूप में नहीं झेल सकता। मॉलिक्यूल इतने 12 हाइड्रोजन्स के लोड को सामान्य रूप में नहीं झेल सकता। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो परिणाम होता है उसको कहते हैं, उसका नाम दिया गया है, बहुत ध्यान से समझे, उसका नाम दिया गया है पकर्ड स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल अपनी प्लेनर ज्योमेट्री को छोड़ करके एक हेट्रोप्लेनर ज्योमेट्री अटेंड कर लेता है, एक हेट्रोप्लेनर ज्योमेट्री में आ जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री जो हो जाती है हेट्रोप्लेनर हो जाती है। हेट्रोप्लेनर का मतलब अब उसके सारे के सारे 6 के 6 कार्बन जो है जिन पे 12 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, वो एक प्लेन में ना होकर के एक से अधिक प्लेन में चले जाते हैं। कैसे ये संभव हो पाया है बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये एक प्लेन है जिसमें कार्बन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कार्बन है, ठीक है ना। अब अगर ये कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, क्राउडिंग कर रहे हैं, है ना, इसलिए तो ये स्टेबल नहीं हो रहे हैं। पर यदि इनमें से एक कार्बन अपने प्लेन को छोड़ करके ऐसे आ जाए, दूसरा प्लेन को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाए, तो अब देखिए इसमें जो जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं, इसमें जुड़े हुए हाइड्रोजन से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो ज्योमेट्री बनेगी, ये ज्योमेट्री एक प्लेन में नहीं है, ये एक से अधिक प्लेन में, मतलब 3-डाइमेंशनल प्लेन में है। इस कारण क्या होगा, इंटरेक्शन की मात्रा खत्म हो जाएगी। देखिए इस बात को दोबारा से समझा रहा हूं मैं आपको। ये जो 6 कार्बन का साइक्लोहेक्सेन है, अगर हम पुरानी थ्योरी के हिसाब से चलते रहे तो ये वाले सारे के सारे हाइड्रोजन जो होंगे, कार्बन जो होंगे, ये सारे के सारे एक प्लेन में होंगे, ठीक है ना, एक प्लेन में होंगे। मतलब जैसे कि मैंने इस प्लेन के ऊपर इसको रख दिया, इस साइक्लोहेक्सेन को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है ना, सारे के सारे इसी प्लेन में, तो आप देख सकते हैं मैं इस प्लेन में इसको भी टच कर पा रहा हूँ, इसको भी टच। तो ये 6 के 6 कार्बन जो है एक ही प्लेन में, अगर ये 6 के 6 एक ही प्लेन में है, तो इन 6 कार्बनों के ऊपर जो 12 हाइड्रोजनों का लोड है, 12 हाइड्रोजन एटम्स का जो लोड है, वो क्या हो जा रहा है, एक ही प्लेन में आ जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल बहुत क्राउडेड हो जा रहा है। क्राउडेड मतलब इसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जा रही है, ठीक है ना, जो कि इस मॉलिक्यूल, जो कि ये मॉलिक्यूल नहीं सह सकता। अगर ये नहीं सह सकता तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा। कहने का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन न बना करके नॉर्मल हेक्सेन बनाने की कोशिश करेगा, या फिर अभी जो हमने एडिशन रिएक्शन बताई थी वो करने की कोशिश करेगा। मगर हमने देखा कि जब हम इसके रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब बहुत कम मात्रा में कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो स्थिति हम समझ रहे हैं इसके बारे में, वो गलत समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे कार्बन जो है एक प्लेन में नहीं है, और यदि ये एक प्लेन में नहीं है तो ये एक से अधिक प्लेन में है, या 3-डाइमेंशनल प्लेन में है। तो ये मॉलिक्यूल अपने को ऐसे अरेंज करता है बच्चों कि इसमें से पहला मॉलिक्यूल अगर एक प्लेन में है तो दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे प्लेन में रहेगा, तीसरा अलग प्लेन में रहेगा, चौथा दूसरे प्लेन में रहेगा, इस तरीके से अल्टरनेट, या एक के बाद एक जो दूसरा कार्बन एटम होगा, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद पांचवा कार्बन जो होगा वो एक अलग प्लेन में होंगे, और ये वाले जो होंगे ये एक अलग प्लेन में होंगे। समझ पा रहे हैं, दो अलग अलग प्लेनों में ये क्या कर जाएगा, बट जाएगा, जिससे कि भीड़ भाड़ एकदम से आधी हो जाएगी, भीड़ भाड़ की मात्रा एकदम से आधी हो जाएगी। तो अब वो उस भीड़ भाड़ को इतने से इलाके में संभाल के रख सकता है, बिना रिएक्शन किए हुए, बिना एक्स्ट्रा एनर्जी या स्ट्रेन गेन किए हुए। इस तरीके से एक जो नई कल्पना आई थी साइंटिस्टों की, उनको कहा उन्होंने पकर्ड स्ट्रक्चर। तो उन्होंने कहा कि ये जो हायर कंपाउंड्स होते हैं साइक्लोहेक्सेन और उसके ऊपर के, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पकर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये हेट्रोप्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने साइक्लोहेक्सेन के बारे में
बात डिस्कस की, ठीक है। अब हमें कॉन्फर्मेशन पढ़ने हैं। उन्होंने कहा कि साइक्लोहेक्सेन की जो ये पकड़ स्ट्रक्चर है, ये दो फॉर्म में पॉसिबल है। इनके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, एक स्ट्रक्चर तो ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली बनाता हूं, ये बहुत अच्छा बना नहीं है अभी। एक स्ट्रक्चर तो बच्चों इसका ये है, एक स्ट्रक्चर तो इसका ये है और दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये। तो ये इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं साइक्लोहेक्सेन के। देखिए जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने भी बनाया था, ये साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन थे, तो 6 कार्बन को मैं इसमें पॉइंट आउट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की ये भी है और 6 कार्बन की ये भी है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने दोनों में पॉइंट कर दिए, है ना। अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये तो एक प्लेनर ज्योमेट्री है मगर ये एक प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, तो इसमें पहला कार्बन जिस प्लेन में रहेगा दूसरा उसके अपोजिट प्लेन में रहेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देखें तो ये तीन एक अलग प्लेन में रहेंगे, ये तीन एक अलग प्लेन में रहेंगे, इस तरीके से ये दो ज्योमेट्रीज इनकी पॉसिबल है बच्चों। ये दो ज्योमेट्री बना करके उन्होंने बताया कि ये ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। अब चूंकि इसकी ये दो ज्योमेट्री पॉसिबल है और इनके नाम जो है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्होंने प्रपोज किए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए किसी नाव की तरह है, है ना। तो इसका नाम दे दिया उन्होंने बोट फॉर्म, नाव की तरह, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया बोट फॉर्म। और इसका नाम क्या दे दिया हमने, ये कुर्सी की तरह है इसलिए इसका नाम दे दिया हमने चेयर फॉर्म। तो ये दो फॉर्म बच्चों इसकी पॉसिबल है साइक्लोहेक्सेन की, ये दो हेट्रोप्लेनर फॉर्म्स जो हैं पॉसिबल हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे के अंदर क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती रहती है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, टू साइडेड एरो से दिखा दिया, जिसका मतलब है इंटर कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल मतलब एक दूसरे में बदलने वाली फॉर्मों में इनको दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात कि साइक्लोहेक्सेन्स क्या होते हैं, एक हेट्रोप्लेनर कंपाउंड्स होते हैं और उनके दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, एक बोट फॉर्म की तरह एक चेयर फॉर्म की तरह। अब इन दोनों फॉर्म को भी बच्चों कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी वाली फॉर्म ज्यादा मात्रा में पाई जाती है या फिर फेवरेट फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब देखिए इन दोनों फॉर्म को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखने के बाद क्या कहा कि इन दोनों फॉर्मों में से जो पहली वाली फॉर्म है जिसे हमने बोट फॉर्म का नाम दिया, ठीक है, दूसरी वाली को हमने चेयर फॉर्म का नाम दिया, तो बोट वाली फॉर्म है उसके साथ एक प्रॉब्लम एनकाउंटर हो रही है। उसके पास जो ये पहले और चौथे नंबर का कार्बन है, ठीक है बच्चों ध्यान से देखें, ये पहले दूसरे तीसरे चौथे या फिर पहले दूसरे तीसरे चौथे, पहले और चौथे नंबर का जो कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन्स जो होंगे ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक दोनों क्या है, पोल्स की तरह खड़े हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, पोल्स की तरह खड़े हैं, दोनों ध्रुवों की तरह खड़े हैं। इन ध्रुवों के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम होंगे, ये हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अगल बगल में देख करके क्या करेंगे, रिपल्सन पैदा करेंगे, एक दूसरे को देख करके रिपल्सन पैदा करेंगे, और विद द रिजल्ट क्या होगा कि इस ज्योमेट्री में कुछ स्ट्रेन आ जाएगी, कुछ रिपल्सन फोर्स आ जाएंगे इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण। इसलिए अगर मैं इसको बोलूं कि 1 and 4 इंटरेक्शन, तो ये इसका एक नाम हो गया कि यहां पर एक चीज क्या है, इंटरेक्शन है। और इंट्रैक्शन कैसा है बच्चों, रिपल्सन वाला इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन भी कैसा है, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इसको नहीं देख सकता और ये इसको नहीं देख सकता, विद द रिजल्ट क्या होगा, ये वाली ज्योमेट्री जो होगी ज्यादा फेवर नहीं करेगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं यही केस इसके केस में देखूं तो इसमें अगर
फर्स्ट वाला कार्बन ये है और फोर्थ वाला कार्बन ये है, तो इनके दोनों के हाइड्रोजन्स जो हैं वो अलग अलग तरफ मुड़े हुए हैं, है ना। इनके साथ ये इंटरेक्शन नहीं है, इन दोनों इस इंटरेक्शन को 1,4 इंटरेक्शन कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम आता है, उस नाम को भी समझ लें, उसको बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, ठीक है ना, फ्लैग पोल इंटरेक्शन। फ्लैग मतलब ये दोनों दो झंडों की तरह है, पोल्स मतलब ध्रुवों में, इन ध्रुवों में दो झंडे जो हैं, इन झंडों का आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरेक्शन है, और इस इंटरेक्शन के कारण ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा कम 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 होगा, जबकि ये वाला जो होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि फॉर्म फर्स्ट जो है सेकंड वाले से कम स्टेबल होगी, मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो फर्स्ट वाली फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगी सेकंड वाली फॉर्म, क्योंकि ये वाली फॉर्म जो है इसमें किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए मैं सेकंड फॉर्म को या चेयर फॉर्म को फेवरेट भी बोल सकता हूं, फेवरेट फॉर्म भी बोल सकता हूं, ठीक है ना। और अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्टिविटी वाले की बात, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा इसके ऑपोजिट होगा, मतलब सेकंड वाला जो है कम रिएक्टिव होगा फर्स्ट वाले फॉर्म से, मतलब चेयर फॉर्म ज्यादा कम रिएक्टिव होगी बोर्ड वाली फॉर्म के कंपैरिजन, ठीक है बच्चों। तो ये एक बात यहां से, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। देखिए ये एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है ना। आपको बताया गया था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में कि दोनों एक दूसरे से बने हुए हैं। इसको देखिए, इस वाली फॉर्म में से इस वाली फॉर्म को हमने कैसे बनाया, आप अगर इस वाले एंड से पकड़ करके इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ पुल कर देंगे, अगर मैं इस वाले कार्बन को ऐसे पकड़ करके नीचे खींच देता हूं तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। ये वाले स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, एक इस कार्बन को पकड़ करके नीचे की तरफ खींच दिया, तो इस स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये एक दूसरे से ही बने हुए हैं, इंटरकन्वर्टेबल हैं, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, आइसोलेबलिंग नहीं की जा सकती। तो ये सारे के सारी क्वालिटीज किस में होती है बच्चों, कैसे आइसोमर्स में होती है, जो कि एक दूसरे के कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। मगर इन दोनों कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, एक की प्रॉपर्टीज मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है और एक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में से एक फॉर्म को फेवरेट फॉर्म बता सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन से अगर पूछा जाए कि भैया आप किस फॉर्म में रहना पसंद करोगे, तो वो कहेगा जी मैं इस फॉर्म में रहना पसंद करूंगा, ठीक है ना। इस चीज को भी हम लोग बहुत इजीली यहां से समझ सकते हैं, और इसमें फ्लैग पोल इंटरेक्शन का जो रोल अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इस बात को समझने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करना है, ताकि आपको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म या फिर कॉन्फॉर्मर्स बहुत ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए ये जो हमारी चेयर फॉर्म है, इस चेयर फॉर्म में एक चेंज हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक चेयर फॉर्म है ही जो हमने बनाई है, और एक चेयर फॉर्म ये भी पॉसिबल हो सकती है, इसको दोबारा ठीक से बना देते हैं। ये दो चेयर फॉर्म हमने बना दिए, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये दोनों के दोनों चेयर फॉर्म है, ये वाली जो चेयर फॉर्म है और ये वाली जो चेयर फॉर्म है, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ क्या डिफरेंस है बच्चों, कि यहां पे ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है और इस वाले में ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब, एक बार इस चेयर को ऐसे रखा गया है और दूसरी बार इस चेयर को ऐसे रखा गया है ये चेयर ही, ठीक है, एक बार चेयर को ऐसे रखा गया है और दूसरी बार चेयर को ऐसे रखा गया है,
ठीक है ना, ये एक बार चेयर को ऐसे रखा गया है और दूसरी बार चेयर को ऐसे रखा गया है। अगर मैं चेयर को एक बार ऐसे और दूसरी बार ऐसे रख रहा हूं तो बच्चों बताओ इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा? इसमें जो डिफरेंस आ जाएगा इसको कहेंगे हम फ्लिपिंग, फ्लिपिंग, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब हमने क्या किया है, चेयर को फ्लिप कर दिया, चेयर को फ्लिप कर दिया, इस वर्ड को कहते हैं चेयर की फ्लिपिंग, किसी भी चीज की फ्लिपिंग, ठीक है ना। अब ये फ्लिपिंग जो हुई है इसमें मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिए बच्चों कि देखिए हर कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, हर कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो ये है जो आपके सामने बनाया गया और दूसरा हाइड्रोजन आप देख रहे हैं जो कि ब्लैक से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं हर कार्बन के ऊपर दो दो हाइड्रोजन हैं, कुल मिलाकर के 12 हाइड्रोजन हैं, जिनमें से 6 हाइड्रोजन ब्लू से दिखाए गए हैं, 6 हाइड्रोजन ब्लैक से दिखाए गए हैं। कहने का मतलब है कि 6 हाइड्रोजन इसमें ऊपर की या ऐसे करके क्या कर रखे हैं, दिखाए गए हैं, और कुछ ऐसे टेढ़े करके दिखाए गए, इस तरफ या इस तरफ करके दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो 6 ब्लू वाले हाइड्रोजन हैं, इन ब्लू वाले हाइड्रोजन्स का एक नाम है बच्चों, इन ब्लू वाले हाइड्रोजन्स को क्या कहा, इनको कहा इक्विटोरियल, इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स, इन ब्लू वाले हाइड्रोजन्स को। और इसमें जो ये ब्लैक वाले हाइड्रोजन्स हैं, ब्लैक वाले हाइड्रोजन्स हैं, इनको कहा एक्सियल हाइड्रोजन्स। तो इसका मतलब इन इस चेयर फॉर्म में 6 एक्सियल और 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। अब मैंने आप लोगों को क्या बोला कि हर पहला दूसरे से तीसरा हाइड्रोजन कार्बन क्या है, अपोजिट प्लेन में, ठीक है बच्चों, अपोजिट प्लेन में है। अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि जब मैं इस चेयर को पलटूंगा, जब मैं इस चेयर को फ्लिप करूंगा, तो पलटने के बाद एक क्या प्रोसेस होगा, देखिए मैं इसको उठा करके इसको नीचे लाया और इसको ऊपर ले गया, इसी को तो फ्लिपिंग कहेंगे। ये स्ट्रक्चर कैसे बना दूसरा वाला, इसको यहां से यहां ले जाने में और इसको यहां से यहां ले जाने में, जब मैं इसको नीचे लाया और इसको ऊपर ले गया तभी तो ये वाला स्ट्रक्चर बनना संभव हुआ, इसी को तो फ्लिपिंग कहेंगे। देखिए दिखाने के लिए तो मैं आपको कह रहा हूं ये ऐसे हुआ, मगर मॉलिक्यूल कैसे पलटेगा, कैसे मॉलिक्यूल तो ना पलटता है, मॉलिक्यूल करवट लेगा, मतलब उसका एक मॉलिक्यूल एक 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 कार्बन थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहेगा अपने अंदर, उसके कारण दूसरे को भी चेंज लाना पड़ेगा, तीसरे को भी चेंज लाना पड़ेगा, चौथे को भी। और ये चेंज क्या है, ये चेंज इस तरीके से समझिए कि इसको नीचे लेकर के आए हैं और तब ये यहां नीचे पहुंचा है। अब देखिए जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, मान लेते हैं इसका नाम है C1, ऑब्वियसली बात है इसका नाम C6 रहा होगा, इसका नाम C5 रहा होगा, इसका नाम C4 रहा होगा, तो ये C4 इसका नाम है और C1 इसका नाम है। तो जब मैं C1 को नीचे लेकर के आया और C4 को ऊपर लेकर के गया तो क्या अंतर आया, देखिए C1 को जब मैं नीचे लाया तो नीचे लाते लाते ऐसी कंडीशन हुई कि ये वाली चीज, ये वाला हाइड्रोजन जब नीचे लाया गया तो वो ऐसी पोजीशन में आ गया। कहने का मतलब ऐसी पोजीशन में हाइड्रोजन आ गया जो कि पहले वैसी पोजीशन में था, मतलब जो पहले इक्वेटोरियल था वो अब एक्सियल हो गया, ये एक्सियल बन गया जो पहले इक्वेटोरियल था। तो ऑब्वियस सी बात है जो पहले इक्वेटोरियल एक्सियल रहा होगा वो अब इक्वेटोरियल बन गया। इसी तरीके से इस वाले में जो पहले एक्सियल था वो अब इक्विटोरियल बन गया होगा और जो पहले इक्विटोरियल था वो अब एक्सियल बन गया होगा। तो कहने का मतलब इस फ्लिपिंग का एक मतलब तो ये है कि ये स्ट्रक्चर दो तरीके से लिखा जा सकता है, और दूसरा मतलब बच्चों ये है कि फ्लिपिंग के बाद, ठीक है, फ्लिपिंग के बाद जो अंतर आया है, हर एक्सियल बॉन्ड इक्विटोरियल और हर इक्विटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो गया, ये एक कन्वर्जन हुआ, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग का मतलब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ एक्सियल टू इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है ना, फ्लिपिंग का मतलब हो गया कन्वर्जन ऑफ एक्सियल टू इक्विटोरियल बॉन्ड। तो ये तो बच्चों इसका, इसके पीछे इसका जो फैक्ट बिहाइंड दिस फ्लिपिंग था
वो मैंने आपको समझाया। अब आप लोगों को इस फ्लिपिंग से का रिजल्ट बताता हूँ कि किस तरीके से इस रिजल्ट में डिफरेंस आया। देखिए मेरे पास जो साइक्लोहेक्सेन था वो स्ट्रक्चर ऐसा था, अगर मैं उसको टू डायमेंशनली बनाऊँ तो मैं ऑब्वियसली बात है उसको ऐसा बनाऊंगा। अब इसमें अगर मैं एक कोई भी ग्रुप जोड़ दूं, अगर मैं इसमें कोई भी ग्रुप जोड़ दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। मोनो मतलब एक जगह सब्स्टिट्यूशन हुआ साइक्लोहेक्सेन में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, या मिथाइल साइक्लोहेक्सेन वैसे इसका केमिकल नाम हो गया। ये जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, इसको अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स में बनाना चाहूं तो देखिए मैं इसको कैसे बना सकता हूं, CH3, और अगर मैं वो चीज इसमें दिखाना चाहूं तो वो हो जाएगी CH3, ठीक है। आपने देखा अगर मैं इस मॉलिक्यूल के लिए ये स्ट्रक्चर दोनों बनाना चाहूं तो मैं CH3 को एक केस में इक्विटोरियल दिखाऊंगा और उसी की फ्लिपिंग करवा करके उसी को एक केस में एक्सियल दिखाऊंगा। यहां पे इस वाली फॉर्म में, इस वाली चेयर फॉर्म में क्या मतलब है, इसमें CH3 इज एक्सियल, जबकि इसमें CH3 क्या आ जाएगा, CH3 इज इक्विटोरियल, ठीक है बच्चों। अब ये जो फ्लिपिंग हुई, इस फ्लिपिंग से क्या रिजल्ट मिला मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पे जब CH3 ये स्ट्रक्चर ऐसा था तो 6 बॉन्ड एक्सियल थे और 6 इक्विटोरियल थे। जो एक्सियल बॉन्ड थे आप देखें, उन एक्सियल बॉन्ड में पहले तो शुरुआत में साइक्लोहेक्सेन जब था तब तो यहां पे भी हाइड्रोजन था, तब तो एक बराबर बराबर रिपल्शन था, मगर अब जैसे यहाँ पे एक बल्कियर ग्रुप आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, उस बड़े ग्रुप के आने के कारण ये क्राउडिंग देखो कितनी बढ़ गई, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और बाकी 5 हाइड्रोजन ही, तो 6 हाइड्रोजन जो है एक प्लेन में बढ़ गए, एक प्लेन में। मैंने आपको बोला ये प्लेन जो है इसका एक्सियल 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 इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो इस तरीके से पहले केस में जहां 6 हाइड्रोजन का इंटरेक्शन हो रहा था, अभी वहां पे 6 की जगह 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं और वहां पे कार्बन भी बढ़ चुका है, तो इस तरीके से क्राउडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस केस में अगर देखें, मोनोहेक्सेन के केस में देखें तो ये क्राउडिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। पर अगर हम इसी स्ट्रक्चर को फ्लिप कर दें तो 6 एक्सियल जो बॉन्ड होंगे अब वो केवल हाइड्रोजन के द्वारा होंगे, बल्कि CH3 के द्वारा जितने भी बॉन्ड होंगे, मतलब CH3 और अदर जो 5 हाइड्रोजन होंगे वो इक्विटोरियल होंगे। इस समय CH3 इक्विटोरियल हो जाएगा। अब ये इक्विटोरियल बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्राउडिंग में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के एक्सेस में है ही, इसलिए एक दूसरे से क्राउडिंग में नहीं जुड़ेंगे, और विद द रिजल्ट ये जो मॉलिक्यूल होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा देन इस वाले मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर कॉन्फॉर्मेरिक फॉर्म्स हैं तो मैं बोलूंगा मोनोसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की जो इक्विटोरियल फॉर्म है वो एक्सियल फॉर्म से ज्यादा क्या है, स्टेबल है या फेवरेट है। तो हम इस वाली फॉर्म को बच्चों क्या कह सकते हैं, ये है उसकी फेवरेट फॉर्म, और ये लेस स्टेबल फॉर्म हो गई, इसलिए इनका कन्वर्जन होगा एक दूसरे पे और उसमें से ये वाली फॉर्म जो होगी ज्यादा पाई जाएगी, ज्यादा एबंडेंट फॉर्म होगी। इस तरीके से हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स को बता सकते हैं, साथ साथ डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स को भी बता सकते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड के केस में क्या हो जाएगा, एक और डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर एक और केस आ जाएगा इसमें, तो एक और केस आ जाने के कारण ये दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके भी बच्चों केसेस बन सकते हैं, वो आपको फर्दर जो मतलब आप में से ऑनर्स क्लास के बच्चे हैं या फिर मास्टर्स के बच्चे हैं उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। ग्रेजुएशन के जो बेसिक कोर्स हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में चलने वाले, उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी आपके सिलेबस में, और फिलहाल आपको इतना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था तो मैंने आपको ये बता दिया बच्चों, ठीक है। थैंक यू।